राष्ट्रीय एकता और विश्व शांति का संदेश देने के लिए झारखंड के जमशेदपुर के 27वें अधिराज बरुआ साइकिल पर भारत भ्रमण पर निकले हैं। 20 राज्यों से होते हुए रविवार को अधिराज शिमला पहुंचे और जहां पर रिज मैदान पर लोगों को राष्ट्रीय एकता, विश्व शांति और पर्यावरण का संदेश देते हुए नजर आए। अधिराज ने झारखंड के जमशेदपुर के टाटा नगर से 1 अक्टूबर 2021 से अपनी यात्रा शुरू की थी। अब तक उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, एमपी, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर से होते हुए हिमाचल का भ्रमण कर चुके हैं और शिमला से उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश वापस झारखंड जाएंगे। अधिराज अपनी यात्रा के दौरान एनजीओ की मदद के साथ गाना गाकर लोगों से पैसे एकत्रित कर रहे हैं। जी, मेरा नाम है अधिराज बरुआ और मैं जमशेदपुर झारखंड से निकला हूँ ऑल इंडिया टूर पे अपनी साइकिल से। 1 अक्टूबर 2021 से अभी तकरीबन 1 साल हो गया और मैंने 20 स्टेट क्रॉस किया है। अभी और 6 महीना बाकी है और 10-12 स्टेट बाकी है। मैं सबसे पहले, मेरा संदेश है नेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्रीय एकता। उस चीज़ को खुद ही मैं एक्सपीरियंस करके जगह जगह भारत के जगह पे अलग अलग जगह पे घूम के अलग अलग जातियों से, अलग अलग धर्मों के लोगों से मिलके उनके साथ रहन सहन करके उनका एक एकता बढ़ाना चाहता हूँ खुद एक्सपीरियंस के साथ। प्लस बुद्ध की विश्व शांति को लेके, जो हमारे आप देख सकते हैं अलग अलग जगह पे जो युद्ध होते हैं उसको एक विश्व शांति, और हमारे प्रधानमंत्री भी जो कहते हैं कि भारत को, भारत से जो है वो दुनिया को युद्ध नहीं बुद्ध चाहिए, जो हमारे यूनाइटेड नेशन में हमारे भारत के प्रधानमंत्री भी बोलते हैं, और जो विश्व शांति की जो संदेश है वो भारत से ही जाती है। जी, मेरी यात्रा स्टार्ट हुई है 1 अक्टूबर 2021 को और ये तकरीबन अभी भी चल रही है, 1 साल हो गया मेरा और मैंने अभी 20 स्टेट क्रॉस कर लिया है, जिसमें से अभी मैं 20 स्टेट क्रॉस करके मैं अभी शिमला पहुँचा हूँ और अभी शिमला से मैं उत्तराखंड, यूपी, बिहार होके 7 सिस्टर जाऊँगा, नागालैंड, त्रिपुरा, आसाम, ये सब करते हुए मैं बंगाल करते हुए, कोलकाता करते हुए मैं घर अपने जमशेदपुर जाऊँगा। जी, मैं बाय प्रोफेशन इंटीरियर डिज़ाइनर हूँ और ये आइडिया मुझे मुझे पहले से ही इंडिया देखने का काफ़ी शौक था, लेकिन साइकिल से मुझे इंस्पिरेशन मुझे मेरे पिताजी से मिला, क्योंकि वो भी 1987 में ऑल इंडिया टूर किए थे अपने साइकिल में, उन्हीं से मुझे इंस्पिरेशन मिला। शुरुआत में मेरे शहरों से काफ़ी जनों ने मुझे हेल्प किया है, आर्थिक सहायता मुझे बहुत जनों ने किया था, लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ते गया, पैसे कम होते गए, तो लोगों ने जैसे एनजीओस, क्लब्स होते हैं उनसे मैं कांटेक्ट करता हूँ, तो ऐसे ही पैसा नहीं लेता, मैं अपने टूर के बारे बोलता हूँ कि मैं क्या क्या एक्सपीरियंस किया हूँ। कुछ हंसी मजाक होते हैं, कुछ डरावने भी होते हैं, कुछ हंसी मजाक से भरे हुए होते हैं, वो सब सुन के लोग अपने खुशी से फोटोज़ वोटोज़ देख के पैसे देते हैं। प्लस मैं अलग अलग जगहों के स्ट्रीट्स में जाके मैं गाने गाता हूँ, लोगों से इंटरेक्ट करता हूँ, अपने बारे बोलता हूँ, तो लोग पसंद करके मुझे उस वक्त भी पैसे देते हैं, उसी से मैं अपना सोलो एक्सपीडिशन को मेंटेन करता हूँ।